उत्तरा इज अ टाउन विच इज सिचुएटेड इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे बहुत सारे एंशियंट टेम्पल्स हैं जो कि आपके पलवा एंड चोला टाइम्स के से बिलोंग करते हैं बहुत सारे टेम्पल है और इसके अंदर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं इन इन जगहों पे लेकिन जो सबसे ज्यादा वेल नोन इंस्क्रिप्शन है दैट इज द उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जिसको इसके नाम से जाना जाता है विच डेट्स बैक टू प्रांटका वन है ना उनके टाइम का है ये राइट और ये कहां पे है वैकुंड पेरुमल टेम्पल तो इसको वैकुंड पेरुमल टेम्पल इंस्क्रिप्शन के नाम से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है या फिर उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन के नाम से भी आप इसके सवाल जो है देख सकते हैं और इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक की ये यूपीएससी और पीसीएस ये दोनों में लगभग बराबर वेटेज रखता है यूपीएससी के अंदर ये थोड़ा सा मेंस की तरफ ज्यादा जाता है है ना हल्का सा मेंस की तरफ जाता है ऑन अदर हैंड जो बाकी हैं वेरियस पीसीएस एग्जामिनेशन चाहे वो हरियाणा हिमाचल पंजाब कहीं का भी हो है ना तो वहां पे ये थोड़ा प्रीलिम्स की तरफ पर आपको ज्यादा झुकता हुआ दिखाई देगा ये टॉपिक चलिए शुरू करते हैं क्या है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो कि कहां पे है वैकुंड पेरुमल टेम्पल में इट इज एन इंस्क्रिप्शन विच डेट्स बैक टू इलेवन हंड्रेड ठीक है जी दो उत्तरा मेरूर है मोस्ट फेमस वन क्यों ये आया था यहां पे, ये न्यूज में क्योंकि इनको आ, हमारे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जिक्र कर दिया था इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन का अपनी किसी स्पीच के अंदर और वहां पे इसको जिक्र किया था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन दिलेजेस तो इस इंस्क्रिप्शन के अंदर बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं कि कैसे होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन है इस इंस्क्रिप्शन के अंदर

दरूर इंस्क्रिप्शन इन या फिर कोई इस टाइप का सवाल उसके अंदर आ सकता है का वन चोला, या फिर इसको भी वो चेंज कर देंगे का वन पल्वा लिख देंगे है yeah, ना कुछ इस टाइप की चीज आपको चेंज करने को आएगी या फिर ऐसे आ सकता है कि जो मैं आपको अभी चीज बोल रहा हूँ कि प्रांटका वन ऑफ पलवा लिख दिया उन्होंने और पूछ लिया कि विच ऑफ स्टेटमेंट्स

कुछ इस टाइप की चीज यहां पे लिख देंगे बट द इंस्क्रिप्शन स्टेट्स अबाउट दिस सेल्फ गवर्नेंस कहां पे इन विलेजेस ठीक है तो इस टाइप के सवाल वहां पे आ सकते हैं और इट हैज बिन प्रेज बाय बोथ हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिकल लीडर्स एज अ टेस्टमेंट टू इंडियाज डेमोक्रेटिक हिस्ट्री एज इट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ विलेजेस सेल्फ गवर्नेंस ठीक है जी इंडियाज डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ठीक है जी अब जब आप इंस्क्रिप्शन पढ़ोगे

हम किसे डेमोक्रेसी बोल रहे हैं क्या ये वो है या फिर हम जिस चीज को डेमोक्रेसी बोल रहे हैं कि वही डेमोक्रेसी है कि यह उसका फॉर्म नहीं है है ना तो हम इस टाइप की चीजें हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस करी थी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको इतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा वहां पे समय कम होता है और ये सीरीज का जो है आ, कह सकते हैं जो मैंडेट है इट इज समथिंग एल्स है ना तो इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली जैसे पर्टिकुलर ये टॉपिक में आई विश कि आप लोग वो क्लास अटेंड कर पाओ इट वॉज हाईली प्रोडक्टिव फ्रूटफुल दस टॉपिक और साथ साथ क्लियर हो जाते हैं आपके मेंस के कई गुना नंबर बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर राइट दिस इज द कोर्स इसका ना आपको डेज फ्री ट्रायल मिलता है राइट right? और आप ना वो एक ट्रायल लेके देखिए आप उस क्लास में आइए है ना चाहे आप फिजिकली आ जाइए अभिमन्यु आई एस इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर आप ऑनलाइन लीजिए उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बात कर रहा हूँ दूसरी चीज बिकॉज इट्स अ डेज फ्री ट्रायल आप ये वाली क्लासेस लीजिए और उसके बाद में डिसाइड फॉर योर सेल्फ इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू यू विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स की एक्चुअली करंट अफेयर्स पढ़े कैसे जाते हैं रादर देन एमलेसली रीडिंग न्यूज पेपर मैगजीन नोट बनाना ये वो जस्ट सी कि उठाना क्या है न्यूज पेपर से कौन से टॉपिक किस तरीके से उठाए जाते हैं राइट तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन आई थिंक यू मस्ट टेक इट आप एक बारी उसे लेके देखिए आपको समझ में आएगा और आपकी जो जर्नी है थोड़ी आसान हो जाएगी यू विल बी क्लोजर टू योर डेस्टिनेशन राइट आफ्टर दिस सभा ये सभा की बात हो रही है कैसे ये इंस्क्रिप्शन uh, के अंदर पता अ सभा है ना द सभा वॉज अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण विद स्पेश कमेटी असाइंड टू वेरियस टास्क ठीक है जी इस तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट होती थी, थी वहां पे लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस ऐसे होती थी कि सभा क्रिएट होती थी सभा कैसे क्रिएट होती है क्या क्वालिफिकेशन है कौन जा सकता है इनफैक्ट क्या डिस्कालिफिकेशन है वो भी देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सभा द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द लोकल सभा और विलेज असेंबली ऑपरेटेड ठीक है जी द इंस्क्रिप्शन द फॉर्मेशन ऑफ सभा बाय स्टेटिंग दट थर्टीबलिड है ना थर्टी ग्रुपिंग ऑफ एरिया को एक वार्ड बोल दिया ठीक है जी विज असेंबली क्या है नथिंग बट लोकल सभा को विज असेंबली बोला हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ दी ये सबको साथ साथ देखना जो मैं आपको लास्ट में वो चीज सेंस बता रहा था कि ये डेमोक्रेसी है या नहीं तो वहां इस इन सब चीजों से वो आंसर फॉर्म होगा आपका है ना तो वॉच केयरफुली और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बी अटेंटिव साथ साथ में क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स द इंस्क्रिप्शन आउटलाइंस क्वालिफिकेशन कैसे विच इंक्लूड्स ओनिंग लैंड एंड अ हाउस ठीक है ओनरशिप होनी चाहिए आपकी लैंड की एंड एक घर की

तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बेसिकली बीइंग स्किल्ड इन बिजनेस इन एडिशन द इंस्क्रिप्शन अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरल बिहेवियर ठीक है ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बताता हूं कि मॉरल मॉरल बिहेवियर क्या मतलब है एन एक्सेप्शन कैन बी मेड फॉर लैंड ओनरशिप कि अगर मान लो किसी के पास लैंड नहीं भी है तो क्या होना चाहिए इनस्टेड ओनरशिप इफ द पर्सन हैज लर्न एटलीस्ट वन वेदा एंड फोर भाषिया है ना जैसे हमारे बहुत सारे भाष्य आते हैं जैसे एक है हमारा महाभाष्य है ना श्री भाष्य तो इस टाइप के जितने हमारे भाष्य हैं इज नथिंग बट ऑन सम प्राइमरी और सेकेंडरी टेक्स्ट है ना तो एटलीस्ट वन वेदा और फोर भाष्य जिसके पास में लैंड या हाउस नहीं है है ना तो उसको ये होना चाहिए उसके पास राइट और जो मॉरल बिहेवियर का मैं आपको बता रहा था वो आपको डिस्कालिफिकेशन में समझ में आएगा कि डिस्कालिफिकेशन कैसे है

पांचवा कौन से प्लीज एक बार आप फाइव ग्रेट सीन्स क्या चीज है आप एक बार जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मतलब है उस बात का एंड बींग एसोसिएटेड विद आउटकास्ट अगर उनके आउटकास्ट जो वो लोग मानते थे जिनको उनके साथ अगर आप एसोसिएट हो रहे हो तो भी आप डिस्कालीफाई कंज्यूमिंग फॉरबिडन डिशेज ये सारा मॉरल बिहेवियर के अंदर भी आता है राइट right? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करती थी ये सभा द इंस्क्रिप्शन आउटलाइंस वेरियस इंपॉर्टेंट कमेटीज

कि इसके थ्रू मैं आपको लोकल नेम्स जो है वो ना प्रोवाइड करूं यहां पे ताकि थोड़ी सी आपका रिसर्च बढ़े और थोड़ा सा और पढ़ पाएं इसके अंदर आप है ना तो क्लास के अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो प्रोवाइड कर दिए थे यहां पे आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार जरूर इसके लोकल नेम जरूर देख लें देर इज ए चांस कि वहां पर पूछा जाए कमेटी मेंबर सर्व फॉर थ्री डेज बिफोर रिटायरिंग एनी इन रॉन्ग डूइंग और डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंट्स वुड बी इमीजिएटली रिमूव कमेटी है ना तो इस टाइप का उनका सिस्टम है ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है मेन आपका यही है क्वालिफिकेशन और डिसक्शन कहा हुई है और यह, एक ही छोटी स्लाइड मैंने फिर भी डाल दी है right? तो आप जरूर इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप इसे पढ़ सकते हैं आई वुड प्रेफर की आप बाकी चीज इस टाइप की चीज जो है वो क्लास में ही डिस्कस हो वंस अगेन लेट मी टेल यू यू गेट सेवन डेज फ्री ट्रायल इस वीडियो के अंदर हमेशा हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है गेट थ्री फ्री वीडियोज इन अ वीक यहाँ पे जो जो तीन इंपॉर्टेंट top, टॉपिक्स होते हैं अदर देन दैट आपको जो प्रॉपर कोर्स है सात दिन का फ्री ट्रायल है वो आप जरूर ले सकते हैं लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई नेब इज रोहित गर्चा एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं आपको दिस इज अभिमन्यू माई